बैठे बैठे पैर हिलाना क्यों माना जाता है अशुभ? वजह जान लेने के बाद आप भी नहीं करेंगे ये काम। बैठे हुए पैर हिलाना बुरी आदत मानी जाती है। ज्योतिष और वैज्ञानिक नजरिए से भी पैर हिलाना अशुभ माना गया है। इसका सीधा संबंध आपकी सेहत और धन से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं इसके क्या नुकसान है। चंद्रमा के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति को किसी भी कार्य में शांति नहीं मिलती। वह आए दिन सेहत या फिर आर्थिक तंगी से परेशान रहता है। धन खर्च भी बढ़ने लगते हैं। बैठे हुए पैर हिलाना माँ लक्ष्मी की नाराजगी का कारण बनती है। मान्यता है इससे घर की बरकत चली जाती है और दरिद्रता का वास होने लगता है। माँ अन्नपूर्णा का निरादर माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। यही वजह है कि खाना खाते वक्त बड़े बुजुर्ग पैर हिलाने को मना करते हैं। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पूरे परिवार को धन धान्य की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कहते हैं पूजा में बैठे हुए पैर हिलाने से पूजन व्रत निष्फल हो जाते हैं। चूंकि ये आदत व्यक्ति की मानसिक क्षमता को कम कर देती है, ऐसे में इंसान किसी भी चीज में निर्णय नहीं ले पाता। विज्ञान में भी पैर हिलाना सेहत के लिए खराब आदत माना गया है। मेडिकल साइंस में पैर हिलाने की आदत को रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम बताया गया है और यह एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी की वजह से हार्ट, किडनी, पार्किंसन से संबंधित समस्या बढ़ जाती है।